सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सो कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पीड न्यूज़ में। मैं सौरभ अहिवा आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें और नए नए अपडेट। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पूर्व वित्तीय मंत्री अरुण जेटली की तबीयत खराब होने पर शुक्रवार सुबह उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। रात को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता और मंत्री वहां पर पहुंचे थे उन्हें मिलने। राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर 22 अगस्त तक रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में धारा 144 को हटा दिया गया है। शनिवार को स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। शुक्रवार को प्रशासन ने घाटी में आंशिक छूट दी तो कड़े पहरे के बीच लोगों ने मस्जिद में जाकर नमाज अदा करी। हालांकि श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज अदा नहीं हो सकी। पीएम नरेंद्र मोदी 17-18 अगस्त को भूटान में रहेंगे। वे किंग के साथ मार्गदेजू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ मोदी रॉयल यूनिवर्सिटी और भूटान के छात्रों से सवाल करेंगे। भूटान के रुपए कार्ड को भी लॉन्च करेंगे। हनी सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट लखनऊ। 7 साल पुराने एक मामले में हाजिर न होने पर अदालत ने मशहूर गायक हनी सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को है। दिल्ली एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बम की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार तड़के अड्डा हवाई अड्डे में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस के अनुसार फोन कॉल करने वाले ने बताया कि सऊदी अरब जाने के लिए चेन्नई से उड़ान भरने वाली महिला यात्री अपने साथ विस्फोटक लेकर जा रही है। इसी के तहत हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबंध की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बौखलाए पाकिस्तानियों ने दोनों देशों के बीच में बस सेवा को बंद कर दिया है। शुक्रवार शाम पाकिस्तानियों की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वह दिल्ली लाहौर बस सेवा बंद करने जा रहे हैं। किसी रियल एस्टेट कंपनी के दिवालिया होने पर उसके अटके प्रोजेक्ट के घर खरीदारों को भी अब कंपनी की नीलामी में से रकम की हिस्सेदारी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को आदिवासी दिवस पर ऐलान किया है कि प्रदेश के आदिवासियों के साहूकारी कर्ज माफ किए जाएंगे। प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी। इसमें गिरवी जेवर और जमीन भी वापस होगी। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की। कार्यक्रम में सम्मान मिलने के बाद इस स्वतंत्रता सेनानी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। झाबुआ इस बार बारिश सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। मानसून के आने के बाद 45 दिन में ही बारिश का कोटा पूरा हो चुका है और आंकड़ा 30 इंच औसत से ऊपर पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मालवा निवाड़ में लगातार 3 दिन बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नर्मदा और ताप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुरहानपुर में 2 दिन से लगातार बारिश से बुरहानपुर पानी पानी हो गया है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 5 इंच बारिश दर्ज हुई है। बैतूल क्षेत्र में बारिश से बुरहानपुर ताप्ती नदी में बाढ़ आई। ताप्ती खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही है। कश्मीर में राजनीतिक उथल पुथल और प्रशासन की लापरवाही से केसर के उत्पादन में गिरावट आई है। दुनिया के इस सबसे महंगे मसाले का कश्मीर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर एक और जहां सरकार का मानना है कि इससे राज्य में कई सारे नए अवसर पैदा होंगे, वहीं फिलहाल इस फैसले के कई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। राज्य में जारी तनाव के चलते ट्रांसपोर्ट पर भी इसका असर पड़ा है। पिछले एक हफ्ते से जारी प्रतिकूल माहौल के चलते ट्रकों की आवाजाही में कमी हुई है। जो ट्रक चल भी रहे हैं उनके किराए में 30% तक का इजाफा हुआ है। इसका सीधा असर फलों की कीमतों पर पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के विषय में भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की सोच समान है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को भारतीय उद्योग परिषद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पंजीकरण का कार्य शुक्रवार को शुरू कर दिया है। सरकार ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना में शामिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये मासिक की पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी पत्नियों को 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी स्वतंत्रता दिवस पर लहर में तिरंगा फहरा सकते हैं। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि पा चुके धोनी इस समय टेरिटोरियल आर्मी के साथ जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना पर काम करते हुए सरकार ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। अब महाराष्ट्र का लाभार्थी गुजरात और तेलंगाना का लाभार्थी आंध्र प्रदेश में अपने हिस्से का राशन ले सकता है। 30 जुलाई 2020 तक इस योजना को पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य तय किया गया है। हाँ तो दोस्तों, आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट्स लाते रहते हैं।